नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। सेवा भावी समाज सेवी और अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच वसंत पंचमी पर्व पर सांस्कृतिक रंगारंग आनंद उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। पतझड़, सावन, बसंत बहार, लो आ गई बसंत ऋतु के आगमन पर प्राकृतिक छटा बिखेरते हुए बसंत पंचमी पर्व पर मानवाधिकार और सामाजिक न्याय आयोग और सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति मध्य प्रदेश कटनी दोनों के संयुक्त तत्वाधान में सेवा भावी समाज सेवी और अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व में तिलक कॉलेज रोड स्थित पुराना एनकेजी थाना परिसर में शासकीय प्राथमिक शाला प्रेम नगर में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच माँ सरस्वती का जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षिका श्रीमती शोभा साहू और कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय आयोग उपाध्यक्ष सुमित साहू ने की। विशिष्ट अतिथि विद्यालय प्रधानाचार्य संजय श्रीवास्तव, श्रीमती कीर्ति सिंह, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय आयोग अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती सोनी, श्रीमती रवि सुंदर दास सहित सभी अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना वंदना का दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और तत्पश्चात सभी सम्मानित बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध जनों सहित सभी पदाधिकारियों और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर विद्यादायिनी मां सरस्वती की आरती की। कार्यक्रम का संचालन कर रही सेवा भावी समाज सेवी और अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चों द्वारा बसंत पंचमी पर्व पर नन्हे मुन्ने बच्चों को उत्साहित करते हुए आनंद उत्सव सांस्कृतिक रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी शोभा साहू ने बच्चों को बताया कि हम आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मित्र होती है, यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। सेवा भावी समाज सेवी और अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी ने अपने ओजस्वी विचारों को व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहले इंसान का इंसान से हो भाईचारा और अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए और कर्म अपने साथ होना चाहिए। अपनी जिंदगी में व्यक्ति को कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी बनकर लोगों की परिवार, समाज और देश हित में कार्य करने हेतु प्रेरित करें। इस दौरान समाज सेवी सरस्वती सोनी बच्चों को उत्साहित करते हुए उन्हें बसंत पंचमी पर्व पर मिष्ठान वितरण किया और बिस्किट टॉफी वितरित किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सराहनीय सहयोग सर्वधर्म जनसेवा मंच समिति मध्य प्रदेश कटनी उपाध्यक्ष राकेश सैनी, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती सुजाता शर्मा, विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य समाज सेवी अमित निषाद राज, नाड़ी वेद डॉक्टर आर के खरे, श्रीमती रजनी रजक, श्रीमती रामरति कोल, श्रीमती रामबाई, श्रीमती प्रभा कुशवाहा सहित सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिभावकों और समस्त छात्र छात्राओं के साथ ही आसपास के लोगों की उपस्थिति में सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति मध्य प्रदेश कटनी द्वारा आयोजित बसंत पंचमी पर्व पर आनंद उत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।